दिलवा दीजिए, हमें एक बात समझ में नहीं आ कि सलमान ने अपने ही बचपन के खासूस का कत्ल क्यों किया, और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आके अपना गुनाह कबूल किया बल्कि उस हथियार मतलब उस चाकू को भी बरामद करवाया जिसे कत्ल हुआ था। लेकिन गौर की बात है कि उसमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, लगता है फिंगरप्रिंट किसी ने मिटा दिया। लेकिन कौन हो सकता है जिस किसी ने भी काम किया ना पूरे प्लानिंग के साथ किया ताकि पकड़ा ना जा सके। तिवारी जी, ये केस जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं, हमें मौका है वारदात पर वहां जाके पता लगाना होगा कि पूरा माजरा क्या, तभी ये राज खुलेगा। चलिए आइए हमारे साथ।